और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के विधायक के बोल बिगड़ गए हैं। कोरोना के नाम पर नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला का विवादित ट्वीट सामने आया है और ट्वीट पे कहा, ऑरेंज फंगस ही है दूसरे फंगस की जड़। ये ट्वीट आप विधायक ने किया, उसके बाद से सियासत में बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ने ये ट्वीट किया है, जिसके बाद से ही लगातार वो अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि ऑरेंज फंगस ही है दूसरे फंगस की जड़। पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं अमानतुल्ला और अब एक बार फिर से अपने विवादित ट्वीट के चलते सवालों के घेरे में है अमानतुल्ला, जो कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑरेंज फंगस ही बाकी दूसरे फंगस की जड़ है। क्योंकि इस वक्त देखिए पूरा देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, साथ ही साथ ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस का कहर है। लेकिन अब इस पर किस तरीके से राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर साफ कहा गया ट्वीट के जरिए कि ऑरेंज फंगस ही बाकी दूसरे फंगस की जड़ है। तो ऐसे में ये ऑरेंज फंगस किसको लेकर कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल। तो ऑरेंज फंगस ही है बाकी दूसरे फंगस की जड़, ये ट्वीट किया विधायक अमानतुल्ला ने, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया, कहा जा रहा है कि इसे धर्म से जोड़ दिया है और धर्म की राजनीति कर रहे हैं अमानतुल्ला। इस तरह के विवादित बयान पहले भी वो देते रहे, विवादित ट्वीट पहले भी करते रहे। सीए के मामले में लेकर के उन्होंने जब विवादित बयान दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी, लेकिन लगातार वो नफरत फैलाने का काम करते हैं ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से, और एक बार फिर से वही काम उन्होंने किया है। बीजेपी ने कहा कि भगवा का अपमान कर रहे हैं अमानतुल्ला और इस तरह का बयान दे करके, इस तरह का ट्वीट करके, क्योंकि किसी भी बीमारी को धर्म से जोड़ देना ये कहां तक आखिर सही है। बिल्कुल, और इसी को लेकर बीजेपी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के विधायक पर। लेकिन सवाल लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछे जा रहे हैं कि आखिर हिंदू आस्था पर ये फंगस वाला फसाद क्यों करना चाहते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं ऑरेंज फंगस के जरिए जो ट्वीट उन्होंने किया है। हालांकि इसको लेकर जब सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हुए तो देश की जनता ने उनको जवाब दिया, कुछ फोटोज भी वायरल हो रही है जिसके जरिए इन पर जवाब दिया गया। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणि महाराज जुड़े हैं, धर्मगुरु हैं। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, और यासिर जिलानी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। यासिर जिलानी साहब, पहला सवाल आपसे, क्यों कह रहे हैं कि सारे फंगस की जड़ ऑरेंज फंगस है? देखिए, सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करता हूं, खंडन करता हूं, और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं जिन साहब ने ये ट्विटर पे अपना ज्ञान जो सामने लेके आए हैं, ये अनपढ़। और जब आपका देखिए अनपढ़ का मतलब ये नहीं होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं, एक दिमागी अनपढ़ आदमी होता है, और अगर किसी इलाके का, बड़े इलाके का, उस इलाके का ये रिप्रेजेंटेटिव है जिस इलाके में भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिसको पढ़े लिखे की बस्ती कही जाती है, वहां पे ये आदमी सिलसिलेवार तरीके से पिछले 4-5 सालों से सिर्फ नफरत के बाजार को गर्म करके अपनी खटिया राजनीति को उसमें ट्विटर के जरिए, उसमें अपने बोल के जरिए, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक हमारी सांस्कृतिक विरासत में मिली हुई भाईचारा है, उस पे प्रहार करने की कोशिश कर। रवि श्रीवास्तव जी, सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला केवल नफरत फैलाने का ही काम करते हैं? पुराना रिकॉर्ड देखें तो और कोई काम नहीं बचा सर? बिल्कुल नहीं। मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में निजामुद्दीन में 5,000 लोग जमा हुए थे, उसे आपने तबलीगी जमात कह करके उसकी बेइज्जती की थी, जो धर्म प्रचारक लोग थे, और बाद में आपको देश के 2 कोर्ट से फटकार पड़ी कि उन्होंने ऐसा कोई बीमारी देश में नहीं फैलाई, और आपने कहा कि ये सारी बीमारी उन लोगों ने फैलाई है, और आपने कितनी बदनामी करी एक कौम जी। ठीक है रवि जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त स्वामी चक्रपाणि महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, आखिर घूम फिर के हिंदू आस्था और सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इस वक्त देश पूरे संकट से गुजर रहा है और इसके खिलाफ पूरी जंग भी लड़ी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू आस्था पर ठेस। देखो देखिए रीतिका जी, रंजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक देर है जो कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साथ तो उल्लू बैठा है। वो तो उल्लू कौन है? वो उल्लू ऐसे ही हमारे उल्लखा जैसे लोग हैं, वैसे जैसे लोग हैं जो जान बुझ करके जो हर बोलने का काम करते हैं। और अभी श्रीवास्तव जी ने जो बात बोली है, अभी कुंभ की बात की है और तबलीगी जमात की बात की है, तबलीगी जमात और इसमें अंतर है, तबलीगी जमात से लोग छुप करके कोरोना फैलाए और विदेश से आकर के उन्होंने जान बुझ करके फैलाया, वो ट्विटर सेल के लोग थे, लेकिन पूरे एक तौरारी के
महत्व है और वो एक मुहूर्त पे तय होता है कि कब कुंभ होगा और उससे भी प्रधानमंत्री की अपील से भी देश की भावना को देखते हुए कुंभ पहले ही उसको संक्षिप्त कर दिया गया तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तबलीगी जमात के जो स्लीपर सेल के लोग थे उकने का काम कर रहे थे वो चारों तरफ कोरोना फैलाने का काम मौत बांटने का काम किया उसे इससे तुलना कैसे कर सकते। श्रीवास्तव भी आप इस देश के नागरिक है आपको समझ में होना चाहिए आप एक हिंदू होकर के इस तरह की स्वामी चक्रपाणि साहब आपको कुछ देर के लिए रोक रहा हूं आपके पास लौट रहा हूं। आदेश गुप्ता जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। आदेश गुप्ता साहब ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे लोग बयान देकर के नफरत फैलाते हैं उसके बाद बच भी जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और अपनी नाकामी छुपाने का बचने का कोई ना कोई रास्ता ये लोग तलाश रहे पतली गली से निकलने के लिए। और जब ये सरकार इनकी फेल हो गई कोरोना, आप कोरोना रोक नहीं पाए, आप उसमें लोगों को इलाज करा नहीं पाए और ये जो बातें आप कर रहे हैं ये पूरी तरह से एक तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है और अपनी दिमागी हकीकत बयां कर रहे हैं अमरुद्दीन खां और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता। ये असलियत जो कह रहे हैं वो नहीं है। असली बात यह है कि इनके दिमाग में एक फंगस है और वो फंगस इनका हमेशा ही ये सांप्रदायिक और सद्भाव बिगाड़ने की बात करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ आखिर कौन सी मजबूरी है कि जो आप दंगों के दोषी जिनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार है जिनके ऊपर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के आरोप है कौन सी मजबूरी है केजरीवाल जी की जो इनको अभी तक पार्टी में रखे हुए हैं। बिल्कुल सर वापस आपके पास आएंगे। चक्रपाणि महाराज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणि जी क्या जवाब देंगे क्योंकि देखिए सवाल अहम यही है देश इस दौर से गुजर रहा है जहां पर हर कोई एक साथ आकर इससे लड़े तो शायद हम जल्द जीत पाए लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ विनीता जी इस बात पे जो सबसे पहले वक्ता बोले बहुत ही अच्छा उन्होंने बात कही। देखो इसको बात समझना होगा हमारी भारतीय संस्कृति है और इसमें वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है पूरे विश्व को हमने अपना माना और इस आपदा काल में तो हर व्यक्ति को एक दूसरे को आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए लेकिन जो इन्होंने भगवा का और ऑरेंज का जो प्रयोग किया है बहुत ही निम्न स्तर की बातें हैं और ये साबित करता है कि इस्लामिक सेल के जो ये विचारधारा है जो ये इस्लामिक फंगस है ये कहीं ना कहीं अमर और ओवैसी और अनेक तमाम लोगों के दिमाग में भरे पड़े हैं जो इसको भी आपदा में भी दंगा फैलाने का अवसर खोज ले रहे हैं अवसर तराशने का काम कर रहे हैं। इनपे सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है इनको रोकने की आवश्यकता है अन्यथा ये निश्चित रूप से आप देखो अभी गैस के सिलेंडर चोरी करने में पकड़े गए थे यही आज गैस के सिलेंडर के लिए लोग मर रहे थे उस समय ये सिलेंडर की जमावड़ा इकट्ठा कर रहे थे ये वही है जो अभी फंगस का नाम ले रहे हैं तो ये इस्लाम के नाम पे बच नहीं सकते ये हिंदू मुस्लिम करके अपनी चोरी को अपनी पाप को छुपाने का काम करते हैं बिल्कुल जानबूझ के करते हैं बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसे समय में प्राथमिकता आप लोगों की क्या होती है क्या आपदा में अवसर ढूंढने की या फिर उन लोगों के साथ खड़े होने की देश जो संकट से गुजर रहा है देश के साथ खड़े होने की या फिर ऐसी ओछी राजनीति करने की जरूरत है आपको? पहली बात तो मैं चक्रपाणि जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरे धर्म का नाम लेकर के मुझे आप बदनाम करने की कोशिश ना करें। मेरा धर्म मेरी चार दीवारी में है और चार दीवारी के बाहर मैं केवल एक भारतीय हूँ केवल भारतीय हूँ इंडियन। तो जी धर्म चार दीवारी में नहीं होता वेद हमारा कहता है तो समझ में आती है तो याद रखिए कि मैं सिर्फ भारतीय हूँ और मेरे को किसी धर्म को जोड़ने की कोशिश आप मत करिए और अरे सर आपके विधायक नफरत फैला रहे हैं आप दूसरे को कह रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं जवाब दीजिए ना सर जवाब दीजिए ना सर अरे सर आप जवाब दीजिए ना आप बताइए ना ऐसे ट्वीट नफरत फैलाते हैं नहीं फैलाते हैं
सर ऐसे नफरत, ऐसे ट्वीट नफरत फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं, इसका क्या मतलब है सर? अभी आप कह रहे मेरा धर्म मेरी चार दीवारी में है, आपने क्या ऐसे विधायक छोड़ रखे हैं नफरत फैलाने के लिए? सर ऐसे ऐसे ट्वीट का मतलब क्या है, मतलब समझाइए ना आप। ऐसे लोगों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आपने रखा है, ऐसे लोगों को सिर्फ आपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रखा है ताकि राजनीति करते रहिए, वोट मिलते रहे सर। किसी को साथ होना चाहिए, लेकिन यहां पर किस तरीके से राजनीतिक रोटियां चमकाई जा रही है अपने ट्वीट के जरिए, अपने बयानों के जरिए, क्या वाकई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश करने की जरूरत नहीं है? देखिए मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं आदेश गुप्ता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा और मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति, और रवि श्रीवास्तव की मानसिक स्थिति को भी बता दूं कि एक ऐसे आदमी का समर्थन कर रहे हैं जो अनपढ़, जो महिला उत्पीड़न के केस में उसके ऊपर FIR दर्ज है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमानों के बीच में खंड बांटना चाहता है, जो नफरत का प्रसार चलाता है, जो नफरत फैला के इस पैंडेमिक माहौल में जिसमें मदद की जरूरत है, जिस तरीके से लोग मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अपने आदेश गुप्ता जी लोगों को दिन रात मदद कर रहे हैं, उस वक्त आप एक ऐसे आदमी का समर्थन कर रहे हैं जो हिंसा फैलाना चाहता है, जो ऑरेंज, और आप कहते हैं कि धर्म हमारी चार दीवारी में, धर्म का धर्म को समझने के लिए आपको अपने दोनों बाहों को खोलना पड़ेगा, सनातन धर्म की ऊंचाई को समझना पड़ेगा आपको। मैं खुद इस्लाम मातृलंबी से हूँ, इस्लाम धर्म को मानता हूँ, लेकिन सनातन धर्म को हम सल्यूट करते हैं, उनकी उनकी जो आस्था का पूरा पूरा पूरी व्यवस्था। लेकिन यासिर जिलानी साहब वक्त का, मैं एक आखिरी सवाल का जवाब तो दे दीजिए भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है, ऐसे लोग बयान देके घूमते क्यों, राजनीति क्यों करते हैं? ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करिए, कार्रवाई करिए सर। अभी आपके सामने हमारे आदरणीय अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ वो इजाजत देंगे, मैं FIR कराऊंगा अमानतुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपस में जो मतभेद है, जो खाई है हिंदू मुस्लिम। आदेश गुप्ता जी, फाइनल कमेंट आपसे जल्दी से, अब आपके पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आदेश गुप्ता जी जल्दी से सर। अरे पुलिस स्टेशन बंद हो जाए, संडे है, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का अवसर ढूंढते हैं, चोरी करने का अवसर ढूंढते हैं, ब्लैक करने का अवसर ढूंढते हैं, अपनी नाकामी छुपाने का अवसर ढूंढते हैं, और ये आम आदमी पार्टी के लोग जो अमतुल्ला खान ने कहा है, ये उनकी दिमागी दिवालियेपन का निशानी है जो अमतुल्ला खान ने कहा है, और निश्चित रूप से 100% उचित ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अमानतुल्ला अपने ट्वीट के जरिए, और देखना होगा कि क्या वाकई आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, कोई FIR दर्ज होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी का जुड़ने के लिए, खुशबू भी हमारे साथ मौजूद थी ब्रेकिंग सेंटर से, खुशबू आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार अमानतुल्ला ने बयान दिया, उसके बाद से सियासत हो रही है, और सियासत के बीच आपको बता दें कि अमानतुल्ला खान से जुड़े पुराने विवाद आखिर क्या हैं। महंत यति नरसिंहानंद के गला काटने की धमकी दी थी, उस मामले में अमानतुल्ला पर FIR दर्ज हुई,
इसके साथ ही 2016 में महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसको लेकर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लगातार उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2017 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप भी उन पर लगा। तो अमानतुल्ला जो कि लगातार अपने विवादित बयान, विवादित ट्वीट के जरिए लगातार सुर्खियों में रहे हैं, और अब एक ताजा ट्वीट उन्होंने किया है जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, मामला दर्ज होगा। खुशबू का हम रुक कर लेते हैं जो कि ब्रेकिंग सेंटर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुशबू, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल रितिका, बड़ी खबर है, पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। सुशील कुमार पर आपको बताएं 1,00,000 रुपए का इनाम था। सुशील कुमार पर हत्या और अपहरण का केस, सागर हत्याकांड में स्पेशल सेल को ये सफलता मिली है। आपको बताएं 4 मई का ये मामला बताया जा रहा है, जब ये पूरा मसला हुआ था उसके बाद से लगातार फरार चल रहे थे, उसके बाद सफलता मिली क्योंकि लगातार लोकेशन बदल रहे थे और पुलिस की गिरफ्त में सुशील कुमार। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जी हिंदुस्तान पर ये तस्वीरें आप देखिए। आखिरकार पकड़ा गया है 1,00,000 का इनामी सुशील कुमार, और जो इनके दोस्त थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। स्पेशल सेल को ये सफलता मिली है। मॉडल टाउन से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हत्या और अपहरण का केस था, 1,00,000 का इनाम रखा गया था क्योंकि लगातार भाग रहे थे और जिस तरह से फुटेज मिले थे उसके बाद लगातार तमाम आरोप सामने आए और अब सुशील कुमार की गिरफ्तारी में सफलता मिली है स्पेशल सेल को। तो सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार फरार चल रहे थे और अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली के मॉडल टाउन से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।